माशाल्लाह, वेलकम होम मेरा बेटा। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। इतनी खुशी का मौका है और तुम रो रही हो बेटा। दादी सब मुझसे बहुत नाराज। नहीं बेटा, क्यों नाराज होने लगे तुमसे? इस सब में तुम्हारा भला क्या कसूर? देखो बेटा, ये तो अल्लाह की मर्जी है। उसने कब कहां कैसे किसी को भेजना। लेकिन जावियार इस सब का जिम्मेदार मुझे समझ रहे हैं। उन्होंने तो बस हॉस्पिटल में बिल पे किया और अकेले वापस आ गए। मैं जमीला के साथ आई हूं। और फिर दादी, ये सब मुझसे नाराज हैं, इसलिए तो अस्पताल में कोई बच्चे को देखने तक नहीं आया। और यहाँ पे भी कोई नहीं। बेटा, कोई नाराज नहीं है तुमसे। अच्छा चलो, छोड़ो इन बातों को, आओ अंदर चलो। इतनी बड़ी खुशी के साथ आई हो, आओ। शाबाश, तो माशाल्लाह कैसा प्यारा है। अरे जमीला, बिस्मिल्लाह करो, लेके चलो अंदर से। जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आओ मेरा बच्चा। आई मीन, इस तरीके से मेरी औलाद की पैदाइश होगी, फिर कभी सोचा भी नहीं था। बेटा, अब तो वो इस दुनिया में आ गया है ना, बल्कि अब तो वो इस घर में भी आ गया है। तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। दोनों बिल्कुल ठीक हैं, एक खराश तक नहीं आई है दोनों को। जो इंसल्ट और एंबैरसमेंट फेस करनी पड़ी है, वो कैसे फेस करूं? क्या कहूंगा मैं लोगों को? नहीं मेरा बच्चा, नहीं, नहीं मेरा बेटा। तुमने सिर्फ इतना सोचना है कि इज्जत और जिल्लत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। उसके हर काम में मसलहत है, उसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता। तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इस नेमत के लिए जो उसने तुम्हें दी है।